अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, क्या हुआ, उदास बैठे हुए हो? बस यार क्या बताऊं, बेगम की वजह से बहुत परेशान रहता हूं। इसका तो कोई मसला ही नहीं है। वो कैसे? मैं मलंग को जानता हूं, उसके बाहर हर चीज के हाल होते हैं, इसका भी होगा। वो मलंग कहाँ पे मिलेगा? वो एक डेरा है ट्यूबवेल, वहाँ पे लगा हुआ। अच्छा। उधर रहते है वो। तो चलो सही है, मैं उसके पास चलता हूँ। हाँ चलो चलते हैं, तो उससे मिल लेते हैं। हाँ। कोई ना कोई हल निकाल लेगा। चलो चलो फिर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम बताइए बाबा जी, एक मसला लेके आए हैं। बेगम बहुत परेशान करनी है, बहुत तंग की थी, कोई इस मसले ना हल दसो। इस ना मसले ना हल मैं दसना तुसा की, छोटा जहा एक है या कोई वजायफ दसा तुसा की, उस पे तुसा अमल करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह तुसा ना मसला जरूर हल दसो। ठीक हो गया, ते तुसी वजायफ दसो, इंशाल्लाह असी अमल करसा। चंद गल्लां ने इन्हां ते तुसी अमल करसो, तुसा ना मसला जरूर हल हो जाए। ठीक है बाबा जी, अमल करसा असी। दसो दसो, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये आपने 19 दफा कहने हैं। सारा दिन आप काम करती रहती हो, आपने 21 दफा कहने हैं। आपके मैके वाले बहुत अच्छे हैं, ये आपने कई दफा कहने हैं। आपकी माँ बहुत अच्छी है, ये आपने 40 दफा कहने हैं। ये सब जो है ना, कलाम करने से आपको शैतान रोकेगा। आपने रुकना नहीं है, अपनी बीवी के सामने बुलंद आवाज में पढ़ना है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।